नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं मल्लिका साराभाई आपको गाने सुनाने आई हूँ। हाँ, अच्छे गाने, लेकिन ऐसे गाने जो हमें कुछ समझा सके, हमें कुछ सिखा सके। हम आसपास देखें तो हम देख रहे हैं कि सृष्टि का नष्ट हो रहा है। कौन कर रहा है, यही तो सोचने की बात है। आज शहरों में पानी नहीं है, गाँव में पानी नहीं है, सब जगह कचरा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? आओ सुनते हैं गानों से। आजकल जहां पर देखो, चाहे गांव में हो चाहे शहर में, आसपास सभी जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। और हम कहते हैं हमें क्या क्या फर्क पड़ता है। अरे, कचरे से कितनी बीमारियां होती है जानना चाहते हैं आप? तो चलो देखते हैं। कचरे के ढेर इतने आते नजर मेरे शहर में, मेरे शहर में, शहर में, शहर में। कचरे के ढेर इतने आते नजर मेरे शहर में, अड्डे पानी के इतने आते नजर मेरे शहर में। कचरे के ढेर इतने आते नजर मेरे शहर में, अड्डे पानी के इतने आते नजर मेरे शहर में। शहर के रहने वालों पूछूं मैं, शहर के रहने वालों पूछूं मैं, शहर के रहने वालों, कचरा कब दूर होगा रे मेरे शहर में, खड्डों का मिटाओ कब होगा रे मेरे शहर में। कचरे के ढेर इतने आते नजर मेरे शहर में, मेरे शहर में, शहर में, शहर में, मेरे शहर में, शहर में, शहर में। मक्खी मच्छर के मेले लग जाए, खुली खुराक रात दिन देखी जाए, मक्खी मच्छर के मेले लग जाए। हे, पूछूं मैं शहर के रहने वालों, पूछूं, 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 पूछूं मैं शहर के रहने वालों, पूछूं मैं शहर के रहने वालों, रोगों को रोकेगा कौन मेरे
शहर में सच सच समझाएगा कौन मेरे शहर में कचरे के ढेर इतने आते नजर मेरे शहर में अड्डे पानी के इतने आते नजर मेरे शहर में बगैर पानी के जिंदगी अशक्य है। बादल बरसाकर सृष्टि हमें पानी देती है और हम हर पल बूंद बूंद पानी को ऐसे ही जाने देते हैं। क्या पानी को संभालना हमारा कर्तव्य नहीं है? अगर हम ये कर सके तो हम पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। जरूरत को जान लो टाल दो
हमारी संस्कृति में वृक्ष को देवता माना जाता है। वृक्ष क्या नहीं देते हमें, खाना, छाया, औषधि और बहुत कुछ। पूरी सृष्टि को संभालते हैं ये वृक्ष। वृक्ष को काटना सचमुच क्या पाप नहीं है? अगर हमने जतन किया तो वृक्ष हमारा जतन करेगी। आज हिंदुस्तान में हजारों जंगल काटे जा रहे हैं, इसलिए तो बारिश नहीं है। अगर बारिश चाहिए तो हमें जंगल को संभालना ही होगा। Thank you.
आज लकड़ी को ढूंढने के लिए गांव और झोपड़पट्टी की हमारी बहनें ज्यादा और ज्यादा दूर दूर तक चल रही है, क्योंकि लकड़ी के बगैर उनके घर के चूल्हे नहीं जलते। लेकिन आज लकड़ी के सिवा हमारे पास और भी ऊर्जा के कई तरीके हैं, जैसे गोबर गैस और सूर्य के किरण। तो क्या हम इस विकास को अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं। Thank you.
शहर में मिनटों में ही विविध भोजन पकता। प्रेशर कुकर समय बचाता, ईंधन भी है बचता। घंटों के मध्य में मिनटों में ही विविध भोजन पकता। कुकर के सब है बराबर, पाप की ताकत मानो, पचा के ऊर्जा भोजन के सही पोषण पौधे, जल, वृक्ष, ऊर्जा और हम सभी हिस्से हैं सृष्टि के। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। आज हम गांव में रह रहे हैं या शहर में, पढ़े हैं या नहीं पढ़े, हम सबको यही समस्या है पर्यावरण के नष्ट होने के कारण। तो क्या हम अपने आसपास की सृष्टि को जिंदा नहीं रख सकते?